जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार और हमें समर्थन करने के लिए। दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा निशुल्क ज्योतिष परामर्श, ज्योतिष के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको हमेशा अच्छे वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर दिन यह सुने जिससे कि आप कभी असफल नहीं हो पाएंगे। हर दिन ये ज़रूर करें तो आप कभी असफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आप रोज़ सुबह जब भी प्रातः उठते हैं तो अपनी हथेली के बीच जो चांद बनता है उसे बनाएं और उसे रोज़ देखें, सबसे पहली और मुख्य बात है। और आपके जो भी गुरु मंत्र हो उसका जाप करें, जो भी इष्ट देवता है उनका जाप करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहली मुख्य बात, आप इस बात को याद रखें, आपको बिल्कुल शांति से, पूरी ईमानदारी से ये काम करना है, पूरे शांति भाव से करना है। और सुबह उठकर खुद का चेहरा कांच में देख लें, आईने में, या आप अपने माता पिता का, या अपने भाई बहन, या ईश्वर का। सबसे अच्छा है कि ईश्वर का चेहरा देखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों बेसिक जो है, आप जब तक सकारात्मकता के लिए, जब आप अपने माता पिता, अपने सुबह उठकर जब मुंह देखेंगे, आपको देखिए खुद ही आप 30 दिन 15 दिन थोड़ा जो टाइम जाएगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तीसरी बात है, सुबह आप रात को एक तांबे के लोटे में जल भर के रखें और रात को रख दीजिए, और सुबह उठते से उस तांबे के लोटे का या जग का पानी पीजिएगा बिना मुंह धोए। सबसे पहले उस पानी को पीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू इस तरह से करते हैं, आपको कभी कोई भी, ना तो आप बीमार होंगे और कोई भी जो तकलीफ होती है शारीरिक रूप से, वो कभी भी कोई सी भी तकलीफ नहीं होगी। आप निरोगी काया हमेशा रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ा इशू है। स्वास्थ्य जब तक आपका अच्छा नहीं रहेगा तब तक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए ये सबसे अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तांबे का, एक बात याद रखिए कि उसे अच्छा साफ हमेशा कर ले, एक दो दिन में अच्छा धो ले, क्योंकि जो तांबा है सबसे अधिक प्रदूषण को सोखता है। आप खुद देखिएगा, आपके तांबे के लोटे को बाहर रख दीजिएगा, जितना साफ आप करके रखेंगे वो काला हो जाएगा कुछ ही देर में, 6 घंटे 8 घंटे या 12 घंटे में, प्रदूषण की स्थिति पर, लेकिन आमतौर पर काला हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्जर्व करें कि जो तांबा है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप पानी उसमें भरें और पियेंगे, मुझे यकीन है ये बहुत आपके लिए कारगर रहेगा। चौथी बात है, आप गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप जितनी गायत्री मंत्र कितनी बार जप करेंगे उतनी बार आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। दोस्तों ये बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जो आपको कभी भी जीवन में असफलता का मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप हमेशा सफल होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनका हल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज के इस दौर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है लेकिन हल बहुत कम हो गए हैं। इसलिए सबसे अच्छा है ईश्वर के आश्रित रहे, क्योंकि ईश्वर इस दुनिया को चला रहा है, ईश्वर ही सत्य है, यह बिल्कुल अक्षरशः सत्य बात है। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। तो जय श्री महाकाल कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।